नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। राज्यसभा का टिकट ना देकर सीएम नीतीश कुमार ने अपने लिए परेशानी खड़ी कर ली है। हालांकि बात करें तो इस वक्त आरसीपी सिंह भले ही ये बोलने से कतरा रहे हो, मीडिया के सामने बातचीत में आरसीपी सिंह ने कहा है कि उन्हें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ी प्लानिंग की तैयारी चल रही है और तैयारी कुछ ऐसी है कि आगे आने वाले दिनों में जेडीयू कार्यालय में भारी हंगामा देखा जाएगा। पक्की जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है, जहां पर जेडीयू के खेमे में ही इस वक्त अंदर ही अंदर सीएम नीतीश कुमार और ललन सिंह के फैसले को लेकर जो नाराजगी है वो लोगों में देखी जा रही है। और यही वजह है कि आरसीपी सिंह के जितने भी समर्थक हैं वे सभी आगे की तैयारी कर रहे हैं और जेडीयू कार्यालय में हंगामा भी करने की जो प्लानिंग है वो उनकी तरफ से की जा रही है। इसी कड़ी में आपको हम बताएं कि इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार जेडीयू प्रदेश कार्यालय पर आगे आने वाले दिनों में असामाजिक तत्व हंगामा या उपद्रव कर सकते हैं, इसकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। इसे लेकर एक राउंड की बातचीत भी हो गई है। हंगामा करने को लेकर पटना के ग्रामीण इलाके के एक मुखिया को आदमी इकट्ठा करने का टास्क भी दिया गया है। जानकार बता रहे हैं कि पुनपुन इलाके के एक शख्स को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है। विरोधी गुट के कुछ सदस्य इसके लिए बाजाब्ता षड्यंत्र रच रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि विरोधी गुट इसकी पूरी तैयारी कर रहा है। यह गुट अचानक प्रदेश कार्यालय पहुंचकर हंगामा मचा सकता है, निशाने पर प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। साथ ही साथ आरसीपी का टिकट काटे जाने के बाद आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार का आभार जताया। वहीं ललन सिंह से किसी तरह का विरोध या असंतोष की बात को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जमकर खिंचाई भी की। उन्होंने प्रदेश में 33 प्रकोष्ठ की जगह 12 से 13 प्रकोष्ठ बनाने पर नाराज जताते हुए ये कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को संगठन की मजबूती के लिए पहले के प्रकोष्ठों को फिर से बहाल करना चाहिए। यानी कि निशाने पर थे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। साथ ही बड़े प्रकोष्ठों में उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार अलग करना चाहिए। उन्होंने ये दावा किया था कि उन्हें जेडीयू को बूथ स्तर पर पहुंचाए और साथ ही राज्य के सामाजिक ताना-बाना को देखते हुए पार्टी के 33 प्रकोष्ठ बनाए। यानी कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरसीपी सिंह ने कही है। बिना नाम लिए उन्होंने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पर प्रकोष्ठ को लेकर जो निशाना है वो उनकी तरफ से साधा गया। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो राज्यसभा टिकट काटे जाने के बाद आरसीपी सिंह ने मीडिया के सामने ये कहा कि अब भले ही उनका टिकट कट गया हो, लेकिन इस्तीफा देने में भी आरसीपी सिंह कतराएंगे नहीं। अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो वो इस्तीफा तुरंत दे देंगे। लेकिन इस सबके बीच बात करें तो आरसीपी सिंह के कुछ समर्थक हैं जो हमेशा ही आरसीपी सिंह के सपोर्ट में रहते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। और यही वजह है कि राज्यसभा का टिकट काटे जाने के बाद उन लोगों में नाराजगी है और यही वजह है कि उन लोगों की तरफ से हंगामा करने की तैयारी चल रही है। और ये खबर जो है वो सूत्रों के द्वारा मिली है। हालांकि आगे अब जेडीयू कार्यालय से क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और साथ ही साथ किस तरह से हंगामा को लेकर आगे की प्लानिंग भी चलेगी, इसके भी पल पल की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।